हम बात कर रहे हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो बड़ी गिरावट रेमेडियम में हमको देखने के लिए मिल रही है। 4% के ऊपर का फॉल हमको स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है, लगातार गिरावट दिखा रहा है। जब जंप आया था स्टॉक में, हमने कहा था कि एटलीस्ट इस हाई को यानी 20 के लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। इसके बाद मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा इसका ये जो हाई है, जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन दिखाया था, देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। इस रिजेक्शन के बाद मेजर सपोर्ट का काम करने वाला था 16 का लेवल और आखिरी सपोर्ट के तौर पर इस लो को हमने डिस्कस किया था। इस बात को डिस्कस किया था कि जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के चांस बनेंगे, लेकिन स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर गया, लगातार बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिल रही। तो रेमेडियम लाइफ केयर यहाँ से और गिरावट दिखाता नज़र आ सकता है और गिरावट स्टॉक में अब हमको देखने के लिए मिल सकती है। अब नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 12.80 रुपये का लेवल। ब्रेक डाउन कर जाता है तो 10 रुपये तक का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है। 9.80 रुपये 10 रुपये तक की भी गिरावट स्टॉक दिखा सकता है। अब यहाँ इसमें और गिरावट हमको देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है। स्टॉक में अब जंप आता है तो देख सकते कहाँ सपोर्ट ले रहा था, 15 रुपये का लेवल, जहाँ इससे पहले सपोर्ट लेकर बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी। तो 15 रुपीज़ का लेवल अब इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, बाउंस बैक होता है तो, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ ही इसने सपोर्ट लेकर बड़ा जंप दिखाया था और इसको ब्रेकआउट कर गया तो मैं इसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा 16 का लेवल, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन जंप पर थोड़ा सा अवेयर रहना है क्योंकि जब भी स्टॉक में जंप आया है हम देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक में बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली है। जंप के बाद स्टॉक अपने लो को ब्रेक डाउन कर रहा है। देखिए जंप आया, गिरावट, सपोर्ट लेके जंप, ब्रेकआउट नहीं कर पाया इस लेवल को, अगेन गिरावट, तो इस लो को ब्रेक डाउन किया। जंप आया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अगेन रिजेक्शन, उसके साथ गिरावट। तो जंप आता है और रिजेक्शन लेकर इस लो को ब्रेक डाउन करता नज़र आ सकता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा, स्टॉक को एटलीस्ट 17 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन होने देना है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3-4 दिन सस्टेन हो जाता है रेमेडियम लाइफ, तो वैसी कंडीशन में फिर रिकवरी दिखाता नज़र आ सकता है। फिलहाल स्टॉक गिरावट में, तो यहाँ से और गिरावट स्टॉक में हमको देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।